हेलो गाइस, सो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब? आई होप यार कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी पोकेमोन सॉर्ड एंड शील्ड के जो एपिसोड हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन सॉर्ड एंड शील्ड के ऑफिशियल एपिसोड 26 के बारे में। अगर अभी तक से आपने पुराने एपिसोड को देखा नहीं है तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और यार ये वीडियो डिक्स पर मैंने बनाया है, आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए नेक्स्ट डे के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना। आई होप यार कि अभी तक से आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो एस और गो हैं वो साकुरिकी प्रोफेसर के घर में रहेंगे और सब चीज़ ठीक चल रहा होगा। तभी एस को और गो को एक न्यू मिशन देखने को मिलेगा और हमें देखने को मिलेगा कि जो यंपर है वो एक घायल फिजी को अपने घर ले आता है। वो देखता है कि कोई घायल फिजी बाहर में पड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ है, इसी कारण जो यंपर है उस पीजी को अपने घर ले आएगा। तो यार यह एपिसोड एम्पायर पर डिपेंड करने वाला है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि एस और गो गलार रीजन में आने के बाद प्रोफेसर साकुरिकी के साथ रहते हैं, तो यहाँ एस और गो को एक न्यू मिशन मिलने वाला है और ये जो स्टोरी है एम्पायर पर डिपेंड होने वाला है। और हमें देखने को मिलेगा कि जो घायल पीजी है उसको एम्पायर अपने घर ले आएगा और जो कोहारू है उसे छोटा भाई है सोटा वो काफ़ी ज़्यादा उसे ख्याल रखेंगे, जिसे जो एम्पायर है वो ऐसा फील करेंगे जैसे वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण उसे जेलसी फील होगी। अब जो ये एम्पायर है वो ऐसे सांप भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एस को पसंद नहीं करता। कोहारू और सोटा को देखकर वो काफ़ी साइड से फील करने लगता है क्योंकि वो फिजी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अब तो जो एम्पायर है वो एस को पसंद भी नहीं करता, जिसके कारण उसे साथ जा भी नहीं सकता। और हाँ गाइस, अगर कई लोग जानते नहीं होंगे कि सोटा कौन है, तो सोटा कोहारू का एक छोटा भाई है। जी हाँ यार, सोटा छोटा भाई है कोहारू का। कोहारू और सोटा का मानना है कि जब तक पीजी ठीक नहीं होता तब तक वो उनके ही साथ रहेगा। और हमें देखने को मिलता है कि जो एम्पायर है वो काफ़ी जलस से फील करने लगता है और ऐसा हो सकता है कि इस गायर पीजी का ठीक होने के बाद सोटा इसको पकड़ ले। जी हाँ यार, इसके सिवाय हमें एक और ज़रूरी चीज़ देखने को मिलेगा। जी हाँ यार, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जितने भी पोकेमोन सीरीज हैं उन सब में एक पोकी गर्ल रहती है, लेकिन अभी तक से गलार रीजन में सिर्फ एस और गो ही हैं। तो यार पोकेमोन के हर जर्नी में तो एक ना एक पोकी गर्ल्स मिल ही जाती है, इसी कारण इस सीरीज में भी हमें पोकी गर्ल देखने को मिलेगा ही, और ये हो सकती है कोहारू। इसी कारण इस सीरीज में हमें कोहारू देखने को मिल सकती है। जी हाँ यार, क्योंकि इस सीरीज में अभी तक सिर्फ हमें एस और गो ही देखने को मिले हैं और कोहारू भी एक मेन कैरेक्टर होने वाली है। जैसा कि आप लीक में भी देख सकते हैं कि कोहारू इस सीरीज में जल्द ही आने वाली है। और अभी एक पोस्टर भी लीक हुआ है जिसमें हमें देखने को मिला कि जो एस और गो है उसके साथ कोहारू भी है। जी हाँ यार, इसी कारण कन्फर्म हो चुका है कि कोहारू ही एक पोकी गर्ल बनने वाली है गलार रीजन की। यहाँ शायद हमें कोहारू देखने को मिल सकता है और पोकेमोन कंपनी को भी कोई ना कोई एक कैरेक्टर चाहिए जो कोहारू हो सकती है। और मैं भी इस बार कन्फर्म हूँ कि इस सीरीज में हमें कोहारू ही देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार इस एपिसोड में एस को एक न्यू मिशन भी देखने को मिल सकता है और शायद लास्ट में जब ये लोग कहीं और जाएंगे तब कोहारू इनके साथ जाने को रेडी हो जाए। जी हाँ यार, तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।